और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ पर धूप है, यहाँ धूप है यहाँ बारिश है। यहाँ पर हो रहा है रथ रेडी जैसा आप देख रहे हैं, और यहाँ से हम कीर्तन करते हुए जाएंगे। अभी हमें लोखंड वाला यहाँ से हम जाएंगे सीधा जुहू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भक्ताना शुरू हो गए हैं एंड किसी भी समय रथ यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ आ चुका है डीजे, यहाँ होगा हरिनाम संकीर्तन। यहाँ देख सकते हैं आप भगवान अपने महल से आज बाहर आए हैं, तो भक्त कितने सारे उनके दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ तक कैमरा जा रहा है, बहुत सारे हैं, मे बी मैं यहाँ से आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे जो पूरी यात्रा होती है उसमें तो रथ होते हैं वो भक्तों के द्वारा ही खींचे जाते हैं, बट यहाँ पर ट्रैफिक है, सिग्नल है, 10 चीज़ें हैं मुंबई में, इसलिए यहाँ पर जो मोटर वाले रथ हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में बस यात्रा स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पर मैं आपको दर्शन कराने का ट्राई करता हूँ आगे जाके, क्योंकि भक्त बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर पूरी रथ यात्रा की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप देख सकते हो ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ये सारे भक्त बैठे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ पर धूप है, यहाँ धूप है यहाँ बारिश है, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है और बारिश बंद भी हो चुकी है। 2-3 सेकंड के लिए बारिश हुई फिर बंद हो गई। और यहाँ यात्रा शुरू हो गई है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ बैक रोड से जा रहे हैं, अभी हम आ चुके हैं लोखंड वाला मार्केट में। तो फ्रेंड्स आरटीओ सिग्नल तक पहुंच चुके हैं हम लोग।
तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं जूहू सर्कल तक, देख सकते हैं। अरे हरे, और यहाँ पे छोटे छोटे भक्त भी हैं। ये देख सकते हैं आप ट्रैफिक को कैसे रोक दिया गया है सब पुलिस वगैरह ने। और ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं अभी तक, और बस जुहू इस्कॉन आ चुका है। तो आप हालात देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा थक भी गए हैं बट अच्छा लग रहा है। सीरियसली वैसे अगर किसी और काम से होता तो आई थिंक इतना नहीं चल सकते, पर प्रभु बहुत दयालु हैं, शक्ति देते हैं ताकि उनके भक्त चल सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और इस्कॉन आते ही बारिश शुरू हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भगवान बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों को शीतलता देने के लिए यहाँ पर बारिश शुरू कर दी है प्रभु ने। वाह, आ चुके हैं हम भगवान के घर पर। अब यहाँ पर श्री जगन्नाथ 7 दिन तक रुकेंगे एंड यहाँ पर भक्तों के लिए प्रसादम है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से भक्त आ रहे हैं अंदर एंड प्रसादम के लिए अंदर हॉल में जा रहे हैं। तो आइए प्रसादम लेते हैं एंड देन आपको पूरी यात्रा के बारे में विस्तार में बताऊँगा। मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं, अभी जय प्रभु जी हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा भक्त है आज तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, और दो आ गए। यहाँ पर प्रसादम के लिए जाते हुए एंड खुशी का लेवल, तो यहाँ आज बेसमेंट में प्रसाद है और यहाँ पर प्रसादम का कूपन मिल चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे और खाएंगे प्रसाद। मेरा कूपन है, जिन भक्तों के पास ये होता है उन्हीं को मिलता है प्रसादम। तो अभी मेरा कूपन खो गया था तो बाय मुझसे बोलने लगी बाय, मतलब प्रसाद के बाद मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, किन किन को लेके आता हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं लेके आऊँगा। प्रसादम हमें मिल चुका है, अब हम खाएंगे प्रसादम। तो यहाँ पर प्रसादम करके हम बाहर आ गए हैं एंड हल्की हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है एंड वेदर बहुत अच्छा हो गया है। तो अब मैं देता हूँ आपको कंक्लूजन पूरी यात्रा का। फ्रेंड्स प्रसादम ले लिया है हमने और हम ऊपर आ गए हैं। प्रसादम लेके कैसा लगा? बहुत ज़्यादा आनंद आया। बस इतने रुपए दिए थे तो मैं कंक्लूजन देता हूँ। रथ यात्रा समाप्त हो चुकी है एंड भगवान अपने घर यानी के मंदिर में आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद थी रथ यात्रा, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हुई थी। तो 22-25,000 ओवरऑल भक्त थे डिवोटी में और नॉन डिवोटीज मिला के, मतलब नॉन डिवोटीज इन द सेंस जो कभी कभी आते हैं, डिवोटीज जो टेम्पल के, सबको मिला के 25,000 समथिंग थे एंड कुछ लोग यहाँ पर भी थे। एंड मैनेजमेंट देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सबको प्रसादम कराना एक मतलब लाइक टास्क है। अगर 25,000 लोग खड़े हुए अभी भी माइक्स अनाउंस करते हैं कि जल्दी जल्दी आप खाइए और जल्दी जल्दी और लोगों को आने दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि 25,000 लोग एक साथ खा सकें। बट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है एंड हाँ, तो अभी बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थोड़े से छाले हो गए पैर में क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पैदल भी चले थे एंड धूप में तो स्ट्रांग नहीं होते, जो सिटी के लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। इस चीज़ की हैप्पीनेस एक अलग ही है कि हमने पूरी यात्रा करी, आई थिंक 11 किलोमीटर हम लोग चले हैं, क्योंकि समथिंग लाइक भक्ति विधान से स्टार्ट हुई थी लोखंडवाला से, देन बैक रोड होते हुए लोखंडवाला मार्केट, देन RTO सिग्नल महाड़ा, देन वर्सोवा लिंक रोड, उसके बाद जुहू सर्कल, काफ़ी ज़्यादा हाँ, उसके बाद हम आए। तो स्टेप्स हमने देखे थे समथिंग 12,000 स्टेप हमने आज कवर करे, तो वो देखा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत डिवाइन था, बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आई होप बहुत चीज़ें आपको भी अच्छी लगी होंगी। एंड सब चीज़ें नहीं दिखा पाया मैं क्योंकि थक गए थे हम बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम हमने टू बी ऑनेस्ट रथ यात्रा की एंड बहुत ज़्यादा लंबी थी एंड तो थक गए थे, गर्मी थी, धूप भी थी, बट जो भी ट्राई ये सभी बेस्ट था, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, कीर्तन भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था एंड सोचा था जो बारिश हाँ, और यहाँ पर जैसे आपने देखा यहाँ पर आए बारिश हुई लाइक बहुत अच्छा था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करना तो मत करना, इट्स ओके।